हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोमास टेस्टी रेसिपीज़। और मैं हूँ सोमा। आज आपके लिए लेकर आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल पालक पनीर की रेसिपी। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी है। लेकिन वीडियो देखने से पहले जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि मेरे सब अपडेट वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और वीडियो अच्छे लगने पर लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब चलिए देखते हैं क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है इस टेस्टी रेसिपी में। ले लिया है मैंने स्पिनाच या पालक, अच्छी तरह वॉश करके ले लिया। और थोड़ा बड़े पालक है इसीलिए मैं डंठल हटा दिया। अगर छोटे हो तो आप डंठल नहीं भी फेंक सकते हो। ले लिया है कॉटेज पनीर, इसको मैं नमक पानी में 10 मिनट तक भिगो कर रख लिया ताकि जल्दी से सॉफ्ट हो सके। और ले लिया है बटर, फ्रेश क्रीम। ले लिया है चॉप्ड कोरिएंडर। ले लिया है जिंजर चॉप्ड करके, गार्लिक चॉप्ड करके, ग्रीन चिली चॉप करके, थोड़ा सा रेड चिली और क्यूमिन सीड्स। अब मैंने पनीर को पीसेस बना लेंगे। थोड़ा सा लंबे पीसेस बना लिया मैंने। आप चाहे तो अपने मनपसंद का शेप बना सकते हैं। देखिए इसी तरह मैंने काट लिया है। ये मलाई पनीर है, बहुत ही सॉफ्ट है। अब मैंने एक पैन चढ़ा कर पानी गर्म कर लिया। उसके बाद स्पिनच को या पालक को डाल देंगे और ब्लांच कर लेंगे। बॉयल होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ब्लांच करनी है। और इसको एक स्मूथ पेस्ट बनानी है। थोड़ा पलट देना है ताकि हर जगह अच्छी तरह ब्लांच हो सके। देखिए लगभग हो चुके हैं। मीडियम हाई फ्लेम में आपको 4 से 5 मिनट तक कुक करनी होगी। इसके बाद मैं एक बर्फीला पानी ले लिया है, उसके अंदर स्पिनच को डाल देंगे ताकि इसका ग्रीन कलर परफेक्टली रह सके। और एक टमाटर ले लिया, इसको क्रॉस से कट लिया। और ब्लांच करने के बाद ये बिल्कुल आसानी से इसका छिलका आसानी से रिमूव कर सकते हैं। देखिए पालक या स्पिनच बिल्कुल ब्लांच हो चुके हैं। मैं इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया और उसके अंदर ही टमाटर को डाल दिया ब्लांच करने के लिए। आप देखिए मैं स्पैटुला की मदद से इसको आइस वाटर में डाल दिया और अच्छी तरह 2-3 मिनट तक पलटते रहेंगे ताकि जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद मैं स्पिनच से वाटर को स्क्वीज कर लेंगे। टमाटर एक बार पलट दिया ताकि हर तरफ से ये ब्लांच हो सके। आप देखिए मैं स्पिनच को पानी से दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ज़्यादा स्क्वीज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पेस्ट बनाने के टाइम थोड़ा सा पानी ऐड करनी होगी, ज़्यादा नहीं। अब मैं इसको मिक्सर में डाल दूंगी और टमाटर भी बिल्कुल ब्लांच हो चुके हैं। अब मैं इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया और इसको छिलका हटा लिया। अब इसका हार्ड पोर्शन रिमूव कर देंगे और मिक्सर में डाल देंगे। स्पिनच के साथ ही एक साथ मैं इसको पेस्ट बना लूँगी। एक सॉफ्ट स्मूथ पेस्ट बनानी होगी।
देखिए मैं हार्ड पोर्शन हटा दिया, अब स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया ताकि अच्छी तरह स्मूथ पेस्ट बन सके। देखिए पेस्ट मैं बना लिया, बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ पेस्ट बन चुके हैं। अब मैंने ओवन में पैन चढ़ाकर थोड़ा सा तेल डाल दिया और थोड़ा सा बटर ऐड कर लेंगे और पनीर को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। जिनको फ्राइड पनीर पसंद नहीं है वो कच्चा भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे कच्चा पनीर अच्छे नहीं लगते, तो मैं हल्का सा ब्राउन करके फ्राई कर लूँगी। सावधानी से पनीर को फ्राई करनी होगी ताकि एक टूट ना जाए। दो तीन मिनट तक फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हल्का सा ब्राउन कलर इसमें आ चुके हैं, अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी। पनीर को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया, देख सकते हैं आप पनीर का कलर। अब मैंने थोड़ा सा बटर और ऐड करेंगे, लॉट्स ऑफ बटर ऐड करनी है ताकि बहुत अच्छे से स्मेल आए और बहुत अच्छे टेस्ट आए, बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसा घर में आप बना सकते हैं। आप थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे, एक दो मिनट तक फ्राई होने देंगे। जब उसका एरोमा निकलेंगे तब मैंने चॉप्ड गार्लिक को ऐड करेंगे। एक दो मिनट तक चॉप गार्लिक को फ्राई कर लेंगे, उसके बाद चॉप जिंजर को ऐड करेंगे। फिर से दो मिनट फ्राई कर लेंगे और उसके बाद चॉप ऑनियन को डाल देंगे और हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करेंगे, लगभग दो मिनट। ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। चॉप्ड ग्रीन चिली को ऐड करेंगे, आपका जैसे स्पाइसी पसंद है आप उसी तरह डालिएगा। थोड़ा सा फ्राई कर लिया, नमक ऐड कर लिया, नमक भी अपने हिसाब से डालिएगा। फिर से दो मिनट फ्राई कर लेंगे और उसके बाद स्पिनच पेस्ट को ऐड करेंगे और कुक करते रहेंगे जब तक ना ऑयल सेपरेट हो जाए, तब तक कुक करनी होगी। थोड़ा सा पानी मैं ऐड कर लिया, मिक्सर में बहुत सारे पेस्ट उसमें रह गए थे, इसीलिए फिर से कुक करने लगी और 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम में कवर करके मैं कुक कर लिया। देखिए ऑयल सेपरेट होने लगी। अब मैंने फ्रेश क्रीम को ऐड करेंगे। फ्रेश क्रीम बहुत ही ज़रूरी है, इसमें एक क्रीमी टेस्टी सॉफ्ट स्मूथ टेस्ट आते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं टेस्ट में। अच्छी तरह मिला देंगे और फिर से कवर करके दो तीन मिनट तक कुक करते रहेंगे। कवर कर लिया था दो मिनट के लिए, बस कुक हो चुके हैं। कवर को हटा दिया, अब पनीर को ऐड करेंगे और एक ही डायरेक्शन में हम इसको पालक के साथ या स्पिनाच के साथ मिलाते रहेंगे
आप देख सकते हो मैं एक ही डायरेक्शन में मिला रही हूँ। बहुत ही ज़रूरी है टेक्सचर के लिए। अच्छी तरह मिला लेंगे हम। उसके बाद 2 मिनट तक फिर से कवर कर लेंगे कुक होने के लिए। दो मिनट के बाद रेस्टोरेंट स्टाइल स्पिनच बटर पनीर या पालक पनीर बिल्कुल रेडी हो जाएंगे और एक बोल में मैं सर्व कर दूंगी, सर्विंग बोल में। अब मैं सर्व कर रही हूँ एक सर्विंग बोल में। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी है, जब भी मन चाहे, बहुत ही इजी भी है, आप घर में बना सकते हो। अब मैंने फ्रेश क्रीम गार्निश कर लिया, देखिए इसमें देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और थोड़ा सा ऊपर से बटर गार्निश करेंगे और चॉप कोरिएंडर को गार्निश कर देंगे। ये रेसिपी आप राइस, फ्राइड राइस, पराठे, नान सबके साथ सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल रेडी है रेस्टोरेंट स्टाइल स्पिनच बटर पनीर या पालक पनीर। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना अनुभव मेरे साथ मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। लौट आएंगे जल्दी से एक नई रेसिपी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।